नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे, मेरे सामने बाइक है एक पैशन प्रो, इसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही, और इस टिक टिक की आवाज़ के लिए भाई लोगों ने कहा कि भैया आप टिक टिक जब आवाज़ करती है इसके लिए वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मेरे दोस्त पहले हम इसमें देखिए टिक टिक आवाज़ आ रही है, इसको आवाज़ सुनाते हैं, फिर आपको कैसे सेट करना है पूरा तरीका बताएंगे, जिससे कि आप आराम से कर सकें। ठीक है मेरे भाई, ज़रा गाड़ी स्टार्ट करना। मेरे दोस्त देखिए, इसमें जो आवाज़ आ रही वो टिक 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 यानी ऐसे आ रही। ठीक है, तो यही आवाज़ है, और ये टिक टिक आवाज़ देखिए टैपेट खोल करके सेटिंग करना होता है। ठीक है, वो चाहे हीरो की कोई बाइक हो या बजाज की हो, लेकिन जब इस तरीके से आवाज़ आती है तो उसको आप अपने हाथ से आराम से खोल करके सही कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम देखिए टैपेट खोलने के लिए हमारे पास एक ईयरिंग होना चाहिए, ये ज़्यादातर हीरो के टूल्स में आता है, और 10 मिनट ट्यूबलर से एक ये बोल्ट खोलेंगे मेरे दोस्त, इसका बोल्ट यहाँ खोलेंगे। ठीक है, और फिर 8-9 का पाना, 8-9 का पाना और एक टैपेट पुलर, इससे यानी हम टैपेट को मिलाएंगे। ठीक है, तो भैया खोल करके तब आपका सेट करके मैं दिखा रहे हैं। मेरे दोस्त, जब भी टैपेट सेट करना हो तो देखिए यहाँ पर एक बिंदी है, इस बिंदु को यहाँ पर ले आना है। ठीक, तो मेरे दोस्त चाहे हम इसको यानी ये 8 नंबर ट्यूबलेस कर लें, या हल्का सा किक लगा करके और फिर उसके अनुसार उससे कर लें। ठीक, तो मेरे दोस्त यानी यहाँ पर, ठीक, अब ये यानी ये होल और ये दोनों यानी साथ में मिल गए, यानी ये और ये, ठीक, ये साथ में हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, टैपेट लूज रहेगा, और कभी कभी क्या होता है कि अगर ये उल्टा कस जाता तो यहाँ पर लूज रहता। ठीक है, तो टैपेट सेट करने का जो पोजीशन है वो यही पोजीशन है, इसी पर हमको सेट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए क्या होता है, जो नई बाइक होती है पैशन प्रो, उसमें क्या होता है कि 0.9 mm तक बोलता है कंपनी लूज रखने के लिए। ठीक है, लेकिन जब पुरानी बाइक होती है तो अगर हम इतना लूज रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ठीक, तो इसमें क्या है कि फिलर गेज थोड़ा जाता है अंदर मुश्किल से, लेकिन हम लोग काम करते करते अनुभव हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि इसमें जैसे आपने इंजन बनाया है तो थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, हल्का सा ऊपर नीचे, हल्का ऊपर नीचे और नीचे थोड़ा ज़्यादा। ठीक, इस तरीके से, और नहीं तो क्या होता है जैसे थोड़ा सा यानी इंजन के बाद क्या होता है, साइड प्ले रखना चाहिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में, हल्का सा ऊपर नीचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको साइड प्ले हमको करना है। ठीक, जब साइड प्ले करेंगे तब तो ठीक रहेगा, और नहीं तो मेरे दोस्त क्या होता है कि यानी आवाज़ वैसी रहेगी टिक टिक। ठीक, देखिए मेरे दोस्त, तो इसमें जो प्ले है यानी ऊपर नीचे की नहीं, ठीक, साइड प्ले यानी है मेरे दोस्त। ठीक, साइड प्ले है। ठीक है मेरे दोस्त, गर्म रहता है ना तो थोड़ा सा पकड़ते नहीं बनता, क्योंकि गर्म हो जाता है स्टार्ट करने। ठीक है, तो इसमें साइड प्ले है, देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा भैया और करीब से दिखाइए, तो इधर ये साइड प्ले हमने कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके साइड प्ले करना है। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है उसके लिए ऊपर नीचे करना है। देखिए मेरे दोस्त, ये प्ले है, ठीक, ऊपर नीचे के, ये देख लीजिए, हम आपको थोड़ा सा अच्छा दिखा पाए, देखिए ये ऊपर नीचे के जो प्ले है इसी को हमको कम करना है। ठीक, इसमें करना तो है लेकिन हल्का करना है। ठीक है, तो आपको हम दिखा पाए मेरे दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी जगह होती जहाँ पर यानी कैमरे को थोड़ा सा जगह कम मिलता है, फिर भी हम, अब ये ज़्यादा टाइट हो गया मेरे दोस्त, क्या होता है ज़्यादा भी टाइट नहीं करना। ठीक है, अभी भी टाइट है, इसमें क्या करना है कि हल्का सा ऊपर नीचे का प्ले होना चाहिए। देखिए ये है, देखिए मेरे दोस्त, ये प्ले रखना है हमको इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से अगर हम प्ले रखेंगे तो यानी ये सही है, अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आवाज़ करता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लें कि ऊपर वाला क्या होता है कि हल्का ऊपर नीचे करना है, और नीचे वाला क्या होता है यानी ऊपर वाला साइड प्ले करना है और नीचे वाला हल्का सा ऊपर नीचे। ठीक, देखिए मेरे दोस्त, हम आपको दिखा पाए अच्छे से, तो देखिए इस तरीके से, यानी इस तरीके से ये, और ऊपर वाला भैया दिखाना ज़रा, देखे मेरे दोस्त ये वाला ऐसे,
ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल बाइक का साउंड भी बढ़िया होता है और किसी प्रकार सिलो भी बंद भी नहीं होती है, ना ही स्टार्टिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम आपको स्टार्ट करके दिखा दें, यानी देखिए मेरे दोस्त, आप इसको आराम से बिल्कुल समझ सकते हैं, यानी इसी तरीके से अगर करते हैं तो इसमें कोई साउंड नहीं पिकता पिकता, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको जब भी बाइक में आपकी टिक टिक आवाज़ आता है, और हीरो की बाइक है या बजाज की बाइक 100 cc है, तो इन सब में टिक टिक आवाज़ आती है मेरे दोस्त, तो आपको इसी तरीके से सही करना है। और जैसे हंक बाइक है, और हंक या हांडा की जो बाइक होती हैं उसमें क्या होता है, हंक और साइन है, इन सब में थोड़ा सा वाल यानी जो लूज रखा जाता है 0.05 mm 6 mm इतना रखा जाता है, और दोनों साइड उसी प्रकार रखा जाता है, थोड़ा सा 19-20। अगर बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम या और प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो टाइपिट का साउंड बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास, और जो साउंड है मेरे दोस्त वो साइलेंसर का है, लेकिन टाइपिट का साउंड जो था आपका मेरे सामने, आप देख लें, हम रेस लेके दिखा दें आपको। तो मेरे दोस्त, टाइपिट का साउंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और जो इसमें एक साइलेंसर का साउंड है वो अलग बात होती है, लेकिन मेरे दोस्त टाइपिट का साउंड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है मेरे दोस्त। जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।